आपको बताएं बताएं कि स्कीम क्या है, आपको अगर आप लेना चाहते हैं ये स्कीम तो क्यों लेंगे आप, आपका मकसद क्या है स्कीम लेने का, वो जो उसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आज के अवेयरनेस कैंप में हम आपको देने जा रहे हैं। हमने यहाँ रिक्वेस्ट की थी और हम बहुत खुश हैं कि ओकेजन और मेरे अपने कलीग्स हैं अपने डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग की तरफ से, और हमारे प्रेजिडेंट साहब हैं जो बेसिक चीज़ें उनको कैसे अप्रोच करें उसके लिए मिस फरा हैं, वो उनसे कॉन्टैक्ट करेंगे और अभी वो आपको थोड़ा सा जो स्कीम है पीएम की प्रधानमंत्री फूड मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसमें आपको 35% सब्सिडी मिलती है, जो भी आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट होगा उस पे 35% आपको सब्सिडी मिलेगी। उनको हम शेयर करेंगे हमारे अपने बैंक के जो ऑफिसर्स आए हैं, आगे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने चाहिए और कम से कम इसमें कॉन्टैक्ट आएगा, आप हमें उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको जो भी हेल्प गाइडेंस और असिस्टेंस की जरूरत होगी हम सो वो आप कर सकते हो। और आपके पास अगर कोई ऑलरेडी आप लाइक चाहता हूँ आपके लिए इसमें जो सब्सिडी है 35%, इसकी सीलिंग है 10 लाख, यानी कि अगर 1 करोड़ का भी कोई लोन लेगा लेकिन सीलिंग है 10 लाख की। कमेटी और जो हमारे यहाँ पे मेंबर्स बैठे हैं ये डीएलसी मेंबर्स हैं, ये वो स्कीम के साथ लोग जुड़े मगर ऐसा हुआ कि नॉलेज नहीं है लोगों के पास, पहले जाना कहाँ है फिर करना क्या है स्कीम। मैडम ने दो चीजें कही आपको बैंक से पता चलेगा क्योंकि बहुत से बेनिफिशियरी से आपको इस वेबसाइट पे जाके www.cmfme.com। तो बेसिक जो मैं इस डिपार्टमेंट का जो है बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमें ये मौका दिया और मैं तमाम जो यहाँ पर और इसमें जो नेसेसरी डॉक्टर तरफ से उनका पूरा शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपनी ड्यूटी में इतनी डेडिकेशन दिखाई कि हम बयान नहीं कर सकते हैं। बैंक के साथ भी कोऑर्डिनेशन बनाई, हमारे जो ब्रांचेस में हमारे एडवांस मैनेजर हैं उनके साथ भी उन्होंने अपना एक तालमेल बनाया। बिजनेस सेटअप करना चाहता था इसकी जो खाली बनाओ जो आप दे सको, अगर आप बैलेंस शीट दे रहे हो हमें तो जो ऑलरेडी यूनिट है आप बैलेंस शीट बना रहे हो, आईटी रिटर्न की जरूरत ही नहीं।